आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक चौहान और आज दिन है मंडे, और अगर डेट की बात करें तो 8 तारीख आज है, 8 नवंबर। हाँ तो भाई आप सब मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि यार आज जो मंडे में मुझे अपने ऑफिस होना चाहिए था, पर मैं आज अभी अपने घर हूँ और मेरी जो दादी हैं, मेरी अम्मा, इनको भाई दवाई दिला के ला रहा हूँ मैं आज, क्योंकि इनकी आँख बनवाई थी हमने और पापा की तबीयत थोड़ी सही नहीं है अभी, उनको बुखार वगैरह हो गया था, मतलब बुखार हो गया था। मैंने सोचा चलो मैं ही चलता हूँ, अब दवाई दिला के लाता हूँ उसके बाद, क्योंकि ये है ना कि मेरे पास है बाइक और मेरे भाई भी जो हैं वो भी आज नहीं जा रहे, वो गाड़ी की सर्विस कराने गए हैं, वरना मैं उनके साथ चले जाता, मेरे भाई रहते हैं वहीं, और बाइक है तो बाइक पर सुबह सुबह तो निकला जाता नहीं, क्योंकि मैं अभी भी निकला हूँ तो अभी भी ठंड मुझे महसूस हो रही है कि हाँ भाई ठंड हो रही है, और दिन में सुबह सुबह निकलता तो भाई फिर काम और बढ़ता, और माँ की दवाई भी आनी थी, तो नौकरी का क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एक एक ड्यूटी के 1000 रुपये कट जाएंगे, इतने तो होते भी नहीं, पर यह है ना कि घर वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए चलता हूँ, बाकी स्प्लेंडर के भी अपने ही मज़े हैं भाई, और बाइक्स के तो होते ही हैं पर इसके भी अपने ही मज़े हैं, और इसको मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि इस पर ज़्यादा, एक तो इसे ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते, ज़्यादा तेज़ मतलब कितना ही चलाओगे आप, 10, देखो ये फ़िलहाल टॉप स्पीड पर चल गए अपने 40 पर, और इसकी जगह वो मेरी बाइक होती बुलेट होती तो वो चल रही होती 80, और ये मतलब इतने पे ही है, खुश चलती है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हाँ माँ भी बढ़िया फिट बैठी है। ये देखो भाई तड़की तड़क भीड़ लगी, यह है देसी शराब का ठेका, दारू पीना बहुत हानिकारक है भाई, और ये कहते थे कि जिसका बालक दारू पे लग गया ये मान के चलो कि खराब है, और यही है कि पूरा दिन करते सब हों, पता नहीं कौन कौन, पर ये बताऊँ कि अगर एक मेरे सीनियर थे, बाबा थे क्या कहूँ, उन्होंने कहा था कि अगर भाई इस जीवन बिना नशे के निकाल लिया तो अद्धा जीवन तो ऐसी मौज में कट जाएगा, अभी देखते हैं कैसे निकलेगा है। निकल तो गया खैर यार, चलो आगे मिलता हूँ, पहुँच चुका हूँ खाईखेड़ी, खाईखेड़ी ये त्यागियों का गांव है भाई, चलो बाय। माँ को दवाई दिला दी भाई, और अभी मैं जा रहा हूँ घर, और घर जाके मुझे जाना है मेरठ एकदम, और मेरठ जाने में मुझे लगता नहीं कि एनर्जी बच पाएगी भाई, क्योंकि एनर्जी वाली ख़त्म, दवाई दिलाई सुबह आया था उस टाइम, और सुबह से अब तक बैठा ही रहा यार, नंबर ही नहीं आया, अब ये मान के चलो हम 55 नंबर था हमारा, और 55 पे ये वो पता नहीं कौन कौन, एक आधा उनका जुगाड़बाजी भी था, बस उसी चक्कर में लेट हो गए। देखो ईंट बन गई है जिससे घर बनते हैं ईंट, अभी चल रहे हैं वापस घर, घर जा कर देखेंगे, और यार यूपी स्कॉलरशिप पे मैं बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, मुझे इस बात की भी डिप्रेशन इस बात का भी डिप्रेशन है कि भाई मैं वीडियो ही अपलोड नहीं कर पा रहा यूपी स्कॉलरशिप की, वो एकमात्र ऐसा वो है मेरा एसेट जहाँ से मैं अर्निंग का सोर्स तो वही है, ये जो व्लॉग ये हुए ये तो बस ऐसे ही है कि मेरी चीज़ें मतलब ऐसा है कि ये दिन ख़राब ना जाए, हर एक दिन को रिकॉर्ड करना ये मेरी हैबिट्स ही है बस, मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो मेरा जो एक्चुअल काम है वो तो एक्चुअल काम तो मेरा यही है कि मैं यूपी स्कॉलरशिप को ही अपने चैनल को आगे लेके जाऊं और उस पर और भी कंटेंट मतलब अच्छे अच्छे से डालूं, बाकी तो जीवन फंस गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, इच्छाएं पूरी होती जा रही और समझ आ नहीं रहा कुछ भी, पीस जो है ना पीस ऑफ माइंड वो नहीं मिल पा रहा, गांव ग्राम कुरल की हम पहुंच गए भाई, ये देखो तुम, एक बात तो हुई जैसे मैं शिमला घूम का आया ना, रोड्स बहुत अच्छी थी यार उधर, रोड के तो क्या ही कहने, चलो घर चल रहा फिर मेरठ भी तो चलना, वहाँ भी तो चलोगे, चलते हैं ना, फाइनली भाई चल दिए हम अपनी भाई नौकरी की तरफ, भाई सही बताऊँ तो बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा जाने का,
सारा घर छोड़ तो वो जोर तो पड़ेगी, पर क्या करें भाई, नौकरी ये करनी पड़ेगी। अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और 3:30 बजे हैं अभी, मेरठ तक पहुँचने में लगभग लगभग पाँच नहीं तो 5:30, बस 5:30 तक तो पहुँच ही जाऊँगा। बाकी इसका सहारा भाई पूरा तो बढ़िया है, बस जो भी है। घर जो छुट्टी थी ना 3-4 दिन की, देखो कमाए तो बिल्कुल एक थोड़े बहुत पैसे कमाए घर भी रहकर, पर ना तो वीडियो बनी, ना बिजनेस का कोई काम हुआ, ना ज़्यादा बिजनेस भी ज़्यादा नहीं आया, बस बहुत कम। तो वही है यार, सपने पूरे करने हैं। अभी ये 2 पहिए हैं, इन 2 को भगवान ऐसी काम ठीक चलाओ गया तो जल्दी ही 4 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर थोड़ा और फायदा हो जाएगा। पेट्रोल डलवाता हूँ यार। अपने रूम में वापस आ चुका हूँ मैं, तो हालत ये है और ठंडा हो गया भाई बहुत रूम। ठीक है, अभी झाड़ू लगाई बस बाहर फेंका, इधर बल्ब जलाया और ये देखो क्या हो गया, ये आप देख रहे हो बिल्कुल सही था ये, और ये उखड़ गया और ये गिरने वाला मुझे लग रहा है। चलो यार आराम करता हूँ थोड़ी देर। तो भाई सुबह हो गई है, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। तो इस व्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगली वीडियो में बताऊंगा यार क्या, मन मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। थैंक यू भाई साहब, लग गई। चलो भाई सब, ऑफिस बिल्कुल साफ है, मुस्कान की चमकान होती हुई, ठीक है। चलो दोस्तों।